हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जीके 2022 फॉर ग्रेड 3 एग्ज़ाम। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022 है। सो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप लोग देखना इस वीडियो को। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 100। और पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक किया था। सो आज फिर से हम लोग 100 से करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कनकलता बरुआ बिकेम ए मार्टायर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट। सो ये क्वेश्चन ग्रेड 4 एग्जाम में आया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? यह 1942 पे हुआ था। ध्यान रखना इसको भारत त्याग आंदोलन भी कहते हैं और इसका मेन लीडर थे महात्मा गांधी जी। सो उस समय महात्मा गांधी जी ने एक नारा लगाया था डू और डाई करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 101 द न्यूली फाउंड संस्कृत यूनिवर्सिटी इन असम सिचुएटेड। जो न्यूली एक संस्कृत यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया वो कहाँ पे है असम में? सो ऑप्शन है धुबरी, ऑप्शन बी नलबाड़ी, ऑप्शन सी तेजपुर, ऑप्शन डी नौगांव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी नलबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 102 द फर्स्ट असमीज न्यूज़पेपर अरुणोदय वॉज पब्लिश इन द ईयर। जो फर्स्ट असमीज न्यूज़पेपर अरुणोदय वो कब पब्लिश हुआ था? सो ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1887। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1846। क्वेश्चन नंबर 103 व्हेन वॉज द असम राइफल एस्टेब्लिश्ड। असम राइफल कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1935। सो इसका राइट आंसर होगा 1835। सो ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, ध्यान रखना असम राइफल। और इसका पहला नाम किया था कचार लेबी। क्वेश्चन नंबर 104 द हेडक्वार्टर ऑफ द असम साहित्य सभा इज सिचुएटेड। हेडक्वार्टर असम साहित्य सभा का कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए जोरहाट, ऑप्शन बी शिवसागर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी तिनसुकिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए जोरहाट। ध्यान रखना द हेडक्वार्टर ऑफ द असम साहित्य सभा इज सिचुएटेड जोरहाट। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो शिवसागर पे हुआ था और इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे पद्मनाथ गोहाई बरुआ। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 105 गैस इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ असम इज सिचुएटेड। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जोगी गोपा। सो ऊपर देखते हैं हम लोग डोपू कटालगुड़ी गर्म पानी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कटालगुड़ी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कटालगुड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 106 द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 20। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 107 द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। गुवाहाटी जो टी ऑप्शन सेंटर वो एस्टेब्लिश हुआ था कौन से साल में? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1950। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1970। क्वेश्चन नंबर 108 द असम पब्लिक सर्विस कमीशन केम इन टू इफेक्ट। सो असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी APSC कब इफेक्ट में हुआ? सो ऑप्शन ए 1 मार्च 1937, ऑप्शन बी 1 मार्च 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1950। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1937। क्वेश्चन नंबर 109 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1958। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1948। क्वेश्चन नंबर 110 द कैपिटल ऑफ द असम वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर इन द ईयर। कौन से साल में असम का जो कैपिटल शिलोंग से दिसपुर लेके आए? सो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन बी सी 1971, ऑप्शन डी 1955। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972। ध्यान रखना तब असम के कौन CM थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 111 हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द अहोम किंगडम इन असम। सो ये क्वेश्चन ग्रेड 4 पे आया था। सो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गदाधर सिंह, सुदिंगपा, पुरंदर सिंह, रुकिए जोगेश्वर सिंह। सो इसका राइट आंसर है पुरंदर सिंह। सो सबको पता होगा
फर्स्ट जो अहोम का रूलर थे वो है चुकाफा थे चाउलुंग चुकाफा। क्वेश्चन नंबर 112, फॉरेस्ट इन असम कवर एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। सो ऑप्शन है 36,283, ऑप्शन बी 27,692, ऑप्शन सी 29,872, ऑप्शन डी 25,692। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 27,692। क्वेश्चन नंबर 113, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज, असम में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए कामरूप, ऑप्शन बी बंगईगांव, ऑप्शन सी कार्बी आंगलोंग, ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बी आंगलोंग। और सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है साउथ सालामारा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 114, द डैश टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क पे वो कौन सा फॉरेस्ट टाइप का है? ऑप्शन ए ग्रासलैंड एंड सवानास, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल सेबी एवरग्रीन, ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, ऑप्शन डी लिटोरल स्वाम फॉरेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रासलैंड एंड सबाना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 115, द टॉलेस्ट एंड द स्टेट ट्री ऑफ असम इज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए ग्राजान, ऑप्शन बी तीताचाप, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी भेलू, ऑप्शन डी होलोंग। सो सबको बताए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होलोंग। क्वेश्चन नंबर 116, द होंग डियर इज फाउंड इन द ग्रासलैंड ऑफ द होंग डियर। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक ग्रेड फोर पे। होंग डियर कहाँ पे है? लोकेटेड बराकबेली ब्रह्मपुत्र प्लेन ब्रह्मपुत्र वैली। सो इसका ऑल ऑफ दिस, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र वैली। क्वेश्चन नंबर 117, हु डिस्कवर्ड द ऑकरेंस ऑफ ऑयल इन असम। असम में जो ऑयल का ऑकरेंस वो डिस्कवर किया किसने? लेफ्टिनेंट आर विलकॉक्स, ऑप्शन बी मेजर आर विलकॉक्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूस, ऑप्शन डी जॉर्ज ब्रूस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए ल्यूट आर विलकॉक्स। क्वेश्चन नंबर 118, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्टर स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इन 1950 इन असम। सो 1950 में जो अर्थक्वेक हुआ असम में, सो उसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे कितना मेजर किया गया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 8.6, बहुत बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 119, विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज़्यादा वेटलैंड है? ऑप्शन ए नुआगांव, ऑप्शन बी ग्वालपाड़ा सॉरी गोलाघाट, ऑप्शन सी धुबड़ी, ऑप्शन डी कामरूप। सो इसका राइट आंसर है नुआगांव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, द टाउन ऑफ असम इज नोन एज द सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस। कौन से असम के टाउन को इटर्नल रोमांस कहते हैं? ऑप्शन ए गुवाहाटी, तेजपुर, गरमपानी, गोलाघाट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी तेजपुर। क्वेश्चन नंबर 121, किंग राजेश्वर सिंह बिल्ड करेंगर। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, करेंगर किसने एस्टेब्लिश किया इन द ईयर? सो इधर ईयर दिया ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1751, ऑप्शन डी 1749। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1751। क्वेश्चन नंबर 122, व्हिच टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ भस्माचल। भस्माचल जो हिल है उसके पास कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है? सो इसका राइट आंसर होगा उमानंदो, ध्यान रखना। भस्माचल जो हिल है उसके पास कौन सा टेम्पल है? उमानंदो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 123, द अदर नेम ऑफ द मेन पिलर ऑफ द नामगढ़। सो इसको कहते हैं लाईखूटा, ध्यान रखना। नामगढ़ का मेन पिलर जो है उसको लाईखूटा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या टेम्पल वॉज रीबिल्ट इन द ईयर। सो ऑप्शन ए 1744, ऑप्शन बी 1553, ऑप्शन सी 1665, ऑप्शन डी 1802। सो इसका राइट आंसर होगा 1665। सो इसको रीबिल्ट किया गया नर नारायण ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 125, इन व्हिच ईयर डिड असम इज गेट रिकॉग्निशन एज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ असम। कौन से साल में असम इसको स्टेट लैंग्वेज का दर्जा मिला? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1961। क्वेश्चन नंबर 126, द फर्स्ट जर्नल ऑफ असम अरुणोदय वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1846। क्वेश्चन नंबर 127, द फर्स्ट मंथली मैगजीन जूनाकी वाज पब्लिश फ्रॉम कोलकाता। ध्यान रखना कोलकाता से पब्लिश हुआ इन द ईयर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1889। सो इसका कौन फर्स्ट जो एडिटर थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
लोहारी द फर्स्ट असमिस नोवेल वॉज पब्लिश इन द ईयर। लोहारी जो फर्स्ट असमिस नोवेल है, सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट असमिस नोवेल कौन सा है, सो लोहारी है, ध्यान रखना। और ये कौन से साल में पब्लिश हुआ, 1892, 1865, 1859, 1836। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1892। क्वेश्चन नंबर 129, द असम स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड, ये क्वेश्चन आया था, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3rd September। ये भोगेश्वर बड़ुआ जो है, जो हमारे भोगेश्वर बड़ुआ जो एथलेटिक्स थे, सो उनके बर्थ एनिवर्सरी में ये डेट ऑब्जर्व किया जाता है। सो असम स्पोर्ट डे ओबिरिचि स्पोर्ट डे भी कहते हैं, सो ये 3rd September। क्वेश्चन नंबर 130, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग स्किप मत कीजिए। इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट हेल्ड एट गुवाहाटी, सो कौन से साल में ODI यानी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1983, यानी जब वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता था, इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीते थे तभी। क्वेश्चन नंबर तभी नहीं मतलब उसी साल पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, द ओनर ऑफ एंड द ऑपरेटर ऑफ द फर्स्ट रेलवे इन असम वाज, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर का लेंथ कौन सा कितना है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2900 किलोमीटर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133, द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन सर्विस बिगन इन असम इन द ईयर, सो टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस असम में कब बिगेन हुआ, शुरू हुआ, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1865, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ असम, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 78,438, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट, वाज बिल्ट इन असम, राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1884। क्वेश्चन नंबर 136, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द अहोम डायनेस्टी, पहले भी मैंने बोला था, सो इसका राइट आंसर है सुकाफा, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, द कैपिटल ऑफ द अहोम वॉज एस्टेब्लिशेड, जो फर्स्ट कैपिटल जो अहोम का वो एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चढ़ाईदेव, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 138, डैश फाउंडेड द बर्मन डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका राइट आंसर है पुष्यवर्मन फाउंडर थे बर्मन डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 139, हु वॉज द रूलर ऑफ द कामरूप एट द टाइम व्हेन द ह्यूएन सांग विजिटेड इन असम, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो इसका राइट आंसर है भास्कर वर्मन यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुकाफा डाइड इन द ईयर, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1268। सो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, 40 क्वेश्चन, सो आप लोग ध्यान से देखना है इस वीडियो को, सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।